आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने झारखंड के प्रदेश महासचिव सह सदस्यता प्रभारी विकास कुमार यादव जी की बेटी षष्टि भारती की हत्या पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मांग की है कि भारती के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाए, चाहे आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों न हो, उसे बचना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच अब कांग्रेस और बीजेपी ने मीडिया से चर्चा के लिए अपनी टीमों का ऐलान किया है। बता दें कि बीजेपी ने 30 से ज्यादा नेताओं की एक लिस्ट जारी की है और कांग्रेस ने 15 नेताओं को नियुक्त किया है। इनमें कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट सहित कई नेता शामिल हैं। मादक दवाओं की तस्करी के मामले में शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी ने विक्रम सिंह मजीठिया को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। विक्रम सिंह की ओर से उनके वकील ने जांच कमेटी पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने एसआईटी पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। वहीं इस मामले में एसआईटी के सामने विक्रम सिंह मजीठिया पेश नहीं हुए। झारखंड में घुसपैठ को लेकर तेज हुए आरोप प्रत्यारोप जारी है। वहीं अब इसी के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें कि शनिवार को रांची में आयोजित हुई भाजपा की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाए। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार की गंभीरता पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जल्द ही वेंटिलेटर पर होगी। इसके अलावा कैबिनेट रैंक को लेकर भी कटवाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने चहेतों को कैबिनेट रैंक बांटे हैं। दिल्ली का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक सोमनाथ भारती ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चुनाव आयोग ने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज को जिताने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप भी लगाया है। सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया कि बांसुरी स्वराज ने चुनावी नियमों के अनुसार तय सीमा से काफी ज्यादा खर्च किया, जो गंभीर मामला है। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने देश की पहली RRTS परियोजना का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ NCRTC के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। परियोजना के दौरे के क्रम में सबसे पहले वे INA स्थित गतिशक्ति भवन में NCRTC के मुख्यालय पहुंचे। उत्तराखंड में अग्निवीरों को लेकर धामी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार अब अग्निवीरों को आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था कि प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी। सरकार उन्हें आरक्षण भी देगी, अगर जरूरी होगा तो इसके लिए एक्ट भी बनाया जाएगा। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। ऐसे में सपा नेता अबू आजमी ने विशालगढ़ हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो एक दो दिन में खुद विशालगढ़ जाएंगे। SP नेता ने कहा कि वहां मस्जिदों पर हमला हुआ है और ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। उन्होंने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कई दिनों से विशालगढ़ में विवाद चल रहा था, ये राज्य सरकार की विफलता है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी यूपी की तरह बिहार में कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को कहा है। उन्होंने कहा कि इन मार्गों पर दुकान लगाने वाले दुकानदार अपना नाम लिखे और नेम प्लेट लगाए। योगी सरकार जैसा निर्णय बिहार सरकार ले, बिहार में भी तत्काल प्रभाव से ये कानून लागू हो।